अकेले होते हुए भी बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाती है जब वो अपने पापा की मदद करने अकेले ही पहुंच जाती है। तब जब अंगद को पता चलता है कि साहिबा पे ज़रूर कोई तकलीफ है, वो भागा भागा उसकी तरफ जाता है और उसकी मदद करने लग जाता है। और अंगद सही वक्त पे पहुँच कर साहिबा का साथ देगा, लेकिन खुद मुसीबत में आ जाएगा। और ये देखकर अपने लिए इतना ज़्यादा प्यार, इतनी मोहब्बत देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी और वो सोचेगी कि शायद उसे अंगद को एक मौका देना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उसका घर भी बस जाता है, उसकी फैमिली जो उसे इतने समय से समझा रही है वो भी वो उनको ला कर दे सकते हैं, यानी कि अपनी खुशहाल गृहस्थी का सुख तो उसकी फैमिली को भी मिलने वाला है। और वहीं पर सीरत यही सोच रही है कि आखिर किस तरह से वो अंगद का दिल दोबारा जीते। उसे ऐसा लग रहा है अंगद उसके साथ हंस खेल रहा है, तो उसे अच्छे दोस्त से भी ज़्यादा बढ़कर समझता है। लेकिन सच बात तो ये है कि अंगद सिर्फ उसे अपनी घर की एक मेंबर समझते, इसलिए उसका सपोर्ट कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पीछे अपनी वाइफ को भूल जाएगा, और इसलिए अभी बहुत जल्द उसके सामने सारी उसकी क्या घर में क्या किस लेवल पे उसे सब लोग समझते हैं ये सच सीरत के सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि नंबर 1 बहू तो घर की साहिबा ही रहेंगी।